इससे कुछ तो जरूर राहत मिलेगी, एक अच्छी शुरुआत है जी। सुप्रीम कोर्ट पहले भी भारत सरकार को यह कह चुका है कि इरिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज शुड बी एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स होना चाहिए। हम लोगों की भी मांग है कि यदि सपोज 7 साल से ऑफिशियली भी हम लोग मांग रहे हैं कि यदि 7 साल से पति और पत्नी अलग रह रहे हैं तो इरिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बना देना चाहिए। ये एक मानव अधिकारों का प्रश्न है। एक पति पत्नी में आपस में नहीं बनी जी, तो ये नहीं है कि आप पति को यह धमकाओ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी हम खराब कर देंगे, तुम्हें बच्चे से नहीं मिलने देंगे, मतलब कस्टडी तो मिलेगी नहीं तुम्हें, ना तुम्हें मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी। अभी नया घरेलू घर हत्याओं कानून जिसको हम कहते हैं, वो घरेलू हिंसा कानून आ गया है, अब अपने घर से भी तुम निकाल दिए जाओगे और इतने 10-12 केस तुम्हारे पर हो जाएंगे कि नौकरी बचानी भी तुम्हारे को मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमारी सारी गलत हो या सही हो, इनडायरेक्टली लड़की और लड़की के जो इनलॉज हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कहने लग गए हैं कि भाई हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं, कहते हैं भाई रात को यदि पति पत्नी का पांव नहीं दबाएगा या बच्चे से मिलने के लिए बोलेगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, लड़की की हर बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी क्योंकि कानून ही ऐसे हैं। तो इस टाइप के जो केसेस हैं उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनफैक्ट भारत सरकार को उन्होंने निर्देश भी दिया है कि आप इरिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बनाया जाए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सिवाय अभी गौतम गंभीर से सेमिनार में आए थे, उन्होंने भी कहा, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की इस बात को समझना चाहिए सरकार को। इसमें लॉ कमीशन 1982 से बोल रहा है कि इरिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज शुड बी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, तो ये ह्यूमन राइट्स की बात है। इससे क्या होता है, जैसे जो गंभीर जज का उनका व्यू था, उनका ये था कि भाई यदि अब इरिवोकेबल बिकॉज डाइवोर्स नहीं हो रहा है तो मामला उलझता जाता है, वो सॉर्ट नहीं होता, जो बच्चा है वो भी इसमें पिस जाता है। यदि डाइवोर्स हो जाएगा तो ऐसा होगा कि जो बच्चा है उसको माँ बाप दोनों का प्यार मिल पाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने थोड़े टाइम पहले वक्तव्य दिया कि जो 5 टाइम जो बिना बाप के बच्चे होते हैं, जैसे 1/3 बच्चे आजकल अमेरिका में बिना बाप के हो गए हैं, और भारत में भी वही स्थिति धीरे धीरे आने की पूरी तैयारी में है जिस तरह से इनकी प्लानिंग चल रही है, तो उन्होंने जैसे कहा वो 5 टाइम दे आर मोर घर से भाग जाते हैं एंड 32 नहीं, ये जो हम जिस केस की चर्चा कर रहे हैं उसमें तो ये हुआ कि एक ने कंसेंट वापस ले लिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये ठीक नहीं है। लेकिन उन केसेस में क्या जिसमें कोई कंसेंट दे ही ना, यानी एक पक्ष कंसेंट ना दे और ये मामला लंबित भी हो और उसकी आड़ में सब कुछ किया जाए। हमारी सबसे मुख्य डिमांड तो यही है कि यदि बहुत लंबा समय हो चुका है, जैसे 7 साल से अधिक यदि दोनों अलग रह रहे हैं तो आपको डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस तो वही रहती है, बट ये कि आपको बच्चे से नहीं मिलेंगे, आपको आज की डेट में दिल्ली में ही आप 50,000 से अधिक आपने विश्व पितामा बना दिए हैं, जैसे जो विश्व पितामा कानूनन जबरदस्ती करा दिए कि ना तुम्हें बच्चे का तुम्हें कस्टडी मिलेगी, ना आपने घर से निकाल दिए जाओगे, ना दोबारा शादी कर सकते हो, तो इस तरह का जो ये मानव अधिकार हनन हो रहा है। और यदि कोई ये समझता है कि चलो दिल्ली में खाली 50,000 लोगों के साथ ही तो हो रहा है, इससे क्या हुआ, मेरे साथ तो नहीं हो रहा, तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आज की डेट में मेरे पास अमेरिका का, मेरे ऑफिस में आए थे हमारे ऑफिस में, वो कह रहे थे कि मैं किसी को भी नहीं जानता अपने दोस्तों में जिसकी शादी चली हो, वो तो 50% डाइवोर्स रेट अमेरिका में इसलिए है। चलिए मीनाक्षी जी से जी यही बात, कोई बच नहीं सकता इससे जी। मीनाक्षी जी, ऐसे लोगों के लिए भी प्रावधान है कोई, क्योंकि या फिर इसमें अभी सोचने की कुछ कुछ बदलाव की जरूरत है, ऐसे लोग जहां पर कंसेंट दिया ही नहीं जाता जी। देखिए देखिए, ये जो जनाब बात कर रहे हैं, पहली गलती इनकी ये है कि इन्होंने जज का नाम गलत बताया, उनका नाम है कैलाश गंभीर, और उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है या नहीं वो मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मैं मौजूद नहीं थी। दूसरी बात ये है कि इरिट्रिवेबल ब्रेकडाउन की आड़ में जो पुरुष किसी और स्त्री से संबंध रखता है और अपना घर छोड़ के अलग हो जाता है, वो इसका फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि आप अपनी गलती का बेनिफिट नहीं उठा सकते, ये भी कानून का मानना है। तो इरिट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को जो ग्राउंड नहीं बनाया गया है वो इसलिए नहीं बनाया गया है, और भारत की परिस्थिति को आप अमेरिकन परिस्थिति से नहीं मिला सकते क्योंकि जो लॉ ऑफ मेंटेनेंस या एलिमनी है वो भारतवर्ष में लागू नहीं होता है। तो औरत की तो आपने एक शादी करके जिंदगी खराब कर दी, दूसरी शादी के लायक वो है नहीं, बच्चे उसके गले में वैसे पड़े हुए, बच्चों को आप चाहते हैं इसलिए नहीं कि उनको मेंटेन करना है या कुछ और करना है, बल्कि इसलिए कि औरत को सताना है। तो ये बात का और इस जो पर्टिकुलर जजमेंट हुआ है उनका कोई तालमेल नहीं है, ये जजमेंट किसी और आधार पे हुआ और ये पुरुष महाशय कुछ और बात कर रहे हैं। मेरे को बहुत हंसी आ रही है और दया भी आ रही है इनकी, जो उन्होंने वक्तव्य दिया ये सुन के, ये कह रही है कि भाई मेंटेनेंस कानून लागू नहीं होता, 125 CRPC में से बचना वर्चुअली नामुमकिन है। यदि आप इनकम टैक्स फाइल करते हो और आप अपनी पत्नी से अलग रह रहे हो तो मेंटेनेंस वर्चुअली आप बच नहीं सकते आज की रेट के अंदर, और अब तो घरेलू हिंसा में तीन मेंटेनेंस केसेस लड़ने पड़ते हैं, और ये कह रही है कि मेंटेनेंस कानून लागू नहीं होता, ये कह रही है, हद हो गई मतलब। दूसरी बात मैडम कह रही है कि ना इरिवोकेबल, हम इरिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज आप बना दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई किसी ने किसी से, ऐसे केसेस नहीं होते जो लड़का लड़की, जो उसने 7 साल से पूरी कोशिश कर ली
अपने साथ रहने की, खाली उस लड़के की जिंदगी तबाह करने के लिए, खाली एक रिवेंज के लिए आप उसकी जिंदगी खराब कर दोगे, तो इरेवोकेबल ब्रेकडाउन के मैरिज में आप ये क्लॉज डाल दो कि यदि किसका कोई संबंध नहीं है और वो 7 साल से उन्होंने उसने कोशिश की, जज के साथ कोऑपरेट किया, कोर्ट के साथ कोऑपरेट किया अपनी शादी बचाने के लिए, तो उस केस में तो कम से कम इरेवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज दो। अब हम कानून बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि शायद कोई ऐसा केस हो जाए तो भाई उस केस के लिए कानून में प्रावधान डाल दो यदि किसी का परपज से संबंध है। ये क्या मतलब हुआ कि हम इरेवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज नहीं बनाएंगे? जी जी चलिए चलिए, पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति पुरुष जो बैठे हैं इनका नाम मेरे को बताइए, और दूसरा ये वकील है क्या? जी ये संदीप जी है। जी, मैं वकील नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। हम आगे भी ये चर्चा जारी रखेंगे और इस बात का जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मीनाक्षी जी से भी जानेंगे, और साथ में एक जो सवाल साथ में उठ रहा है कि ब्लैकमेलिंग ये जो जजमेंट है उससे बंद हो जाएगी, ये दोनों पक्षों के लिए है क्या, इसको भी हम विस्तार से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं।